हेलो दोस्तों, आप सबको HPR आर्ट एकेडमी पे स्वागत है। तो गाइस चलिए आज एक नया सीनरी बनाते हैं। तो पहले इसके लिए मैं पेपर को पुशन ब्लू से, मैं ऊपर वाला जो हिस्सा हूँ उसे मैं कलर कर देता हूँ। देन मैं वायलेट को यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा ही वाइट कलर लिया और उसके बाद मैं मीडियम येलो और ऑरेंज कलर को मैंने पेपर के ऊपर कलर कर लिया। उसके बाद मैं अंगूठा से और पेपर से मैं इसे अच्छी तरीके से रब कर लिया। रब करने के लिए मैं नीचे वाला जो हिस्सा है उसे अब मैं ब्लैक कलर से कलर कर रहा हूँ। देखिए, अब कलर करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से रब कर दिया। रब करने के बाद मेरा जो ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है, जो ट्री, मेन सब्जेक्ट ट्री के नीचे एक जीरा, तो पहले मैं इस ट्री को ड्रॉ करने के लिए पहले मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ब्लैक कलर से मैं इस पेड़ का डैनी को ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने इसकी जो पत्ती है उसे मैं अच्छी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ब्लैक पेस्टल कलर को, ऑयल पेस्टल कलर को धीरे धीरे से मैं फिल करते जा रहा हूँ और उसे पूरा करने के बाद जो मेरा पेड़ का जो डैनी है उसे मैं थोड़ा सा पेंसिल से डिटेलिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो मेरा हमारा जो पेड़ है उस पेड़ को हमने इस पत्ते को अच्छे तरह से कर लिया। उसके बाद मैंने जो पेड़ के नीचे जो जीरा खड़ा है उसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। 10B पेंसिल से मैं इस जीराफ को कलर कर रहा हूँ। छोटा सा है इसलिए मैं पेस्टल कलर यूज़ करने की जगह मैं 10B पेंसिल से मैं इसे ड्रॉ किया। फिर मैं पेड़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेलिंग कर रहा हूँ। पत्ते की जहाँ पे थोड़ी सी घने पत्ते हैं वहाँ पे मैं ब्लैक कलर को और ज़्यादा मैं गाढ़ा कर रहा हूँ। करने के बाद देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है अब जो नीचे वाला हिस्सा है तो उसे थोड़ा सा मैं छोटा छोटा घास बना रहा हूँ, तो उससे जो हमारा जो सीनरी है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। अब करने के बाद देखिए, मैं साइड में जो बॉर्डर था टेप का मैं उसे रिमूव कर रहा हूँ। करने के बाद हमारा जो ड्राइंग है अब ऐसा लग रहा है। तो बताइए कैसा लगा आज का ड्राइंग। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टाटा।